आज पूरे विश्व में संरक्षण खेती यानी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पर जोर दिया जा रहा है। हमारे देश में भी पिछले काफी समय से संरक्षण खेती बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। संरक्षण खेती का अर्थ ये है कि जमीन में नमी बनाए रखी जाए, उपजाऊ मिट्टी की परत के उघड़ जाने या बह जाने की रोकथाम हो और खेती बाड़ी के काम में कम से कम एनर्जी यानी ऊर्जा लगे। ऐसा करने से न केवल मिट्टी की गुणवत्ता बरकरार रहती है बल्कि उसमें सुधार भी हो जाता है। संरक्षण खेती की जब बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी का, जिसमें बिना जुताई किए बुआई की जा सकती है। इस तरह की खेती की शुरुआत लगभग 4 दशक पहले ब्राजील के एक किसान ने की थी। भारत में पिछले 2 दशकों से जीरो टिलेज खेती पर जोर दिया जा रहा है। प्रारंभ में कुछ किसान ये बात सुनकर हैरान थे कि बिना जुताई के खेतों में बीज कैसे बोया जा सकता है, लेकिन जब उन्हें जीरो टिलेज पद्धति से होने वाले लाभों से अवगत कराया गया तो उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता दिखाई। जीरो टिलेज में ट्रैक्टर के इस्तेमाल की जरूरत कम पड़ती है, इसलिए ट्रैक्टर का किराया बचता है और उस पर आने वाला खर्च भी। खेत में जो छीजन बची रहती है वो वहीं दब जाती है और उसे जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे वायु प्रदूषण भी नहीं होता और साथ में जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। हिसाब लगाया जाए तो जीरो टिलेज से खेती करने में 20% पानी की बचत होती है। ईंधन की बचत का हिसाब लगाएं तो 70% डीजल बचता है। कई बार धान की कटाई के बाद अगली फसल की बुआई के लिए इतना समय नहीं बचता कि सामान्य तरीके से खेत की तैयारी और बुआई की जा सके। इसके लिए जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात सोची गई, जिसमें बिना जुताई के सीधे बुआई की जा सकती है। पंतनगर विश्वविद्यालय ने जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी को अमल में लाने के लिए एक मशीन बनाई और उसके बाद से पूरे देश में ये टेक्नोलॉजी फैल गई। मशीन में 2 बॉक्स हैं, एक बॉक्स में बीज रखते हैं और दूसरे में फर्टिलाइजर। इसका फरो ओपनर इन्वर्टेड टी की शेप में है और चाकू की तरह है। ये नाली की बजाय पतली स्लिट काटता है, जिसका फायदा ये है कि ट्रैक्टर पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता। इसका डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि जैसे जैसे बीज गिरेगा, खाद गिरेगी, उसके बाद कुछ मिट्टी गिर जाती है और बीज ढक जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि समुचित नमी वाले खेत में बिना जुताई किए सीधे ही बुआई की जा सकती है। इस प्रकार यदि धान की फसल देरी से तैयार होती है और गेहूं की बुआई करने में देरी हो रही हो तो जीरो टिलेज अपनाकर इस देरी की भरपाई की जा सकती है। जीरो टिलेज से खेती करना न केवल फायदे का सौदा है बल्कि किसान अपनी सीमित जमीन से कई फसलें भी ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश की सरजमी पर वारंगल जिले का एक छोटा सा इलाका रेड्डीपुरम और उस इलाके के निवासी श्री थुम्मा शार रेड्डी। जिन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की जो वहाँ के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। प्रेरणा का स्रोत इसलिए क्योंकि इन्होंने फसल की पैदावार बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए इस्तेमाल की जीरो टिलेज तकनीक और ढूंढ निकाला अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का जरिया। जीरो टिलेज को अपनाने से पहले दूसरी फसल में धान उगाने पर 800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 1 एकड़ में 16,000 रुपए मिलते थे, लेकिन जब से मैं दूसरी फसल में मक्का पैदा करने लगा तो हमें 35 क्विंटल मकई प्राप्त हुई, जो उतने ही दाम पर बेची गई जितने दाम पर धान बेचा जाता था, यानी इस फसल से 25,000 रुपए की आमदनी हुई। हमारे सफर के सिलसिले में अब बारी आती है वारंगल जिले की तहसील मुलुगू के किसान श्री बोलाम कुमार स्वामी की, जिन्होंने खुद इस्तेमाल की
जीरो टीलेज टेक्नोलॉजी ओके विधंगा उंडडम वल्ला मनकु इस तरह की खेती करने से हमें तकरीबन 3000 रुपए की बचत होती है और अब एक एकड़ में ही हमें 15 से 16 क्विंटल तक फसल प्राप्त हो रही है। हम अपने सफरनामे को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं पश्चिमी गोदावरी जिले की ओर। महज 2 एकड़ खेती योग्य जमीन और सिंचाई के लिए एक बोरवेल के मालिक श्री राव अपने दम पर सफलता पाना चाहते थे। धीरे धीरे बदलते वक्त के साथ बदली उनकी सोच। उन्होंने सरकारी क्षेत्र और राज्य में उपलब्ध स्कीमों की सहायता ली, जिससे उचित निर्देशन के साथ इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में आसानी हुई। अब मैं मकई की ही फसल 4 एकड़ में डालकर तकरीबन 40 बोरी प्रति एकड़ प्राप्त कर रहा हूँ। इस तरह से मेरा फायदा पूरे 26,000 रुपए का हुआ। जीरो टिलेज की शुरुआत धान और गेहूं की फसल से हुई थी। उसके बाद मकई की खेती में भी इसका प्रयोग करने से बहुत उत्साहवर्धक परिणाम निकले। अब इसका प्रयोग दूसरी फसलों में भी किया जा रहा है। धान की फसल कटाई से कुछ दिन पहले धान की खड़ी फसल में सिंचाई की जाती है। इस तरीके का इस्तेमाल सभी तरह की जमीन में किया जा सकता है, सिवाय बहुत ही ज्यादा चिकनी मिट्टी वाली जमीन के। धान कटने के बाद सीधे ही गेहूं की फसल के लिए बुआई की जा सकती है। 30 नवंबर के बाद परंपरागत तरीके से खेत की तैयारी करके बुआई करने से 30 किलो प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन के हिसाब से उपज में कमी आती है। जीरो टिलेज से की गई बुआई में इस देरी के कारण हुए नुकसान को बहुत कम किया जा सकता है, साथ ही जमीन की तैयारी करने में आने वाला खर्च भी बच जाता है। जीरो टिलेज से बुआई करने से धान की फसल का जो भी रेजिड्यू है वो वही रह जाता है और धीरे धीरे सड़ के खाद का काम करता है, जिससे जमीन का स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। लेकिन ऊर्जा की बचत और आपकी लागत कम लग रही है, इसको ध्यान में रखते हुए ये मशीन बहुत उपयोगी है। जीरो टिलेज अपना कर खेती करने से ऊर्जा, मेहनत और लागत में कमी आती है। आंध्र प्रदेश की जलवायु के मुताबिक उत्पादन लागत में लगने वाला बड़ा हिस्सा सिंचाई में जाता था, लेकिन अब इस जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी से सिंचाई का खर्च घटकर काफी कम हो गया। देखा जाए तो जीरो टिलेज तकनीक से न सिर्फ मक्का, भिंडी और चावल बल्कि कई और फसलें भी उगाई जा सकती हैं। मसलन गन्ने के साथ चिकपी, गेहूं के साथ गन्ना, गेहूं के साथ दालें, मकई के साथ मटर। इसके अलावा धान की फसल के साथ भी कई और फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे धनिया, तिल, काले चने, सरसों, ज्वार, अरंडी। जीरो टिलेज से खेती करने का तरीका सिखाने के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जहां तक मशीन की कीमत का सवाल है, उस पर सब्सिडी उपलब्ध है। यूं तो कारवां से अलग रास्ता इख्तियार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन जब कुछ हासिल करने का जज्बा हो तो फिर सारी परेशानियां छोटी हो जाती हैं। आंध्र प्रदेश के श्री रेड्डी, श्री कुमार स्वामी और श्री राव ने कुछ अलग करने का जज्बा जगाया और रास्ता दिखाया एक नई राह की ओर। अपनी कोशिश और मेहनत के बल पर इनकी तरह आप भी अपनी अलग शख्सियत बना पाएंगे और आपके सपने खुद ही पंख लगाकर उड़ते आएंगे आप तक।